हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे RRB NTPC के एक्सपेक्टेड कटऑफ के बारे में कि किस जोन में किस कैटेगरी का कटऑफ कितने जाने वाले हैं। तो इस ये जो कटऑफ हमने जो एक्सपेक्ट किया है वह कंपटीशन के आधार पे एक्सपेक्ट किया है कि किस जोन में कितना कंपटीशन है, उसी के माध्यम से हमने जो कटऑफ है जोन वाइज पूरे एनालिसिस के साथ एक्सपेक्ट किए हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए हम कटऑफ की तरफ चलते हैं जिसको हमने एक्सेल शीट पे, तो यह है हमारा सभी जोन का कटऑफ। देखिए हम जो ये कटऑफ जो है कंपटीशन लेवल के आधार पे डिसाइड किया है कि किस जोन का कंपटीशन कितना है। देखिए यहाँ पर देख रहे होंगे आप अहमदाबाद की कंपटीशन 13.5 है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 13.5 स्टूडेंट के बीच फाइट करना है और उसमें से एक का सिलेक्शन CBT 2 के लिए होगा। ये मैंने जो कंपटीशन लेवल निकाला है वह निकाला है कि किस जोन में कितने वैकेंसी है, ठीक है, उसका 20 टाइम्स, ठीक है, और उस जोन में कितने जो वैलिड अप्लीकेशन आए हैं और अप्रॉक्सीमेटली कितने स्टूडेंट उसमें अपियर्ड हुए हैं, ठीक है। तो इसके माध्यम से हमने सभी जोन का कंपटीशन लेवल निकाला है और सभी कैटेगरी का मैंने कट ऑफ ये डिसाइड किया। ये कट ऑफ एक्सपेक्टेड है, मतलब इससे 2-3 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इससे 2-3 नंबर ऊपर या फिर नीचे हैं तो आप खुद को सेफ मानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं अहमदाबाद की कट ऑफ। तो जनरल की कैटेगरी की 16 लिया है, EWS की 58 और OBC की 57 और SC ST की 54, यानी 50 से लेकर के 54 तक आप SC ST का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अजमेर की जो कंपटीशन लेवल है वह है 14.5, मतलब 14.5 मतलब ये हुआ 14.5 स्टूडेंट के बीच यहाँ पर कंपटीशन है, ठीक है। उसमें से आपको 14.5 बच्चों के बीच फाइट करना है और उसमें से एक का सिलेक्शन CBT 2 के लिए होगा। यहाँ पर जनरल का कट ऑफ 61 लिया है, EWS का 58, OBC का 56 और SC ST का 50 लिया है। इलाहाबाद की बात करते हैं, कंपटीशन लेवल 13.2 है, जनरल की कट ऑफ हमने लिया है 60, EWS का 58, OBC का 56 और SC ST का 52 है। इसी तरह से बेंगलोर का है जो कि कट ऑफ डिसाइड किया है, यहाँ पर कंपटीशन लेवल है 10.1। देखिए तीनों जोन से कंपटीशन लेवल यहाँ पर कम है, तो यहाँ पर जनरल की कट ऑफ जाएगी 59 के आसपास, EWS का 56, OBC का 56 के आसपास और SC ST का 52-53 के आसपास रहने वाली है। बात करते हैं भोपाल की, तो देखिए यहाँ पर जो कट ऑफ है 16.9, मतलब 17 स्टूडेंट के बीच यहाँ पर कंपटीशन है। 17 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का सिलेक्शन CBT 2 के लिए होगी, तो यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो जनरल की कट ऑफ 63 जा सकती है, EWS की 61, OBC की 60, SC ST की 50 जा सकती है। बात करते हैं भुवनेश्वर की, तो यहाँ पर है 12.6 की कट ऑफ, जनरल की 61 जा सकती है। उसके बाद SC ST की बात करते हैं, तो 58 OBC की और SC ST की 50 जा सकती है। बात करते हैं बिलासपुर की, तो बिलासपुर के देखिए कंपटीशन लेवल 9.4 है, मतलब देखिए इस सभी के कंपटीशन में सबसे कम कट ऑफ यहाँ पर बिलासपुर की है। तो इसका जनरल की कट ऑफ 58 जा सकती है, 56 EWS की, OBC की 54 और SC ST की 50 जा सकती है। चंडीगढ़ देखें, चंडीगढ़ की कंपटीशन लेवल 14.2 है, जनरल की 62, EWS की 60, OBC की 58 और SC ST की 54 जा सकती हैं। फिर बात करते हैं, अब चेन्नई की तरफ चलते हैं, तो चेन्नई का जो कंपटीशन लेवल पहले देख लेते हैं। चेन्नई कंपटीशन लेवल है 10.4, यहाँ पर जनरल की कट ऑफ ये हो गया EWS की, OBC और SC ST की कट ऑफ ये रहने वाली है।
तो देखिए सभी जोन का मैंने कंपटीशन लेवल ले लिया है और उसी के आधार पर हमने जो कट ऑफ है वो डिसाइड किया है। तो ऑलमोस्ट इसी के अराउंड रहने वाली है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर आपको इतने मार्क्स जिस जोन में आप देख सकते हैं अपना जोन, उसमें से अगर उस जोन में आप आ रहे हैं और आपका कट ऑफ के आसपास आप हैं, तो आपको अभी से CVT 2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो रिजल्ट CVT 1 का आएगा उसके बाद बहुत कम ही समय लगता है CVT 2 के एग्ज़ाम के लिए। तो आपको प्रिपरेशन के लिए टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता है, तो अभी से आप स्टार्ट कर देना चाहिए CVT 2 के लिए। तो चलिए देखते हैं गोरखपुर की तरफ। गोरखपुर कंपटीशन लेवल है 8.8, काफ़ी कम है। उसके बाद यहाँ कट ऑफ 57, 55, 56 और 52। देखिए ये है जनरल की कट ऑफ, ये हो गया जनरल का, ये हो गया EWS, ये OBC और ये SC ST का है। गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी का कंपटीशन काफ़ी कम है, देखिए 7.7, ये बहुत कम कंपटीशन होता है। देखिए जो कम जो हमने कट ऑफ लिया है, आपको लग रहा होगा बहुत कम है, लेकिन ये कम नहीं, क्योंकि कंपटीशन जहाँ जहाँ कम है वहाँ पर कंपटीशन कम होने के कारण वहाँ पर कट ऑफ लो जाने वाली है। देखिए तो यहाँ कट ऑफ जनरल का 56, EWS का 54, OBC का 53 और SC ST का 50 है। मतलब SC ST में 2-3 नंबर का अंतर होता है, तो मतलब 48 से 50 आप मान सकते हैं। जम्मू और श्रीनगर में देखिए कट ऑफ सिर्फ 6 है, मतलब 6 बच्चे के बीच सिर्फ कंपटीशन है। यहाँ पर कट ऑफ 55 जनरल का लिया है, यहाँ पर कट ऑफ और भी कम जा सकता है। देखें कंपटीशन काफ़ी कम है, लेकिन हमने 55 लिया है। EWS का 53, OBC का 54 और SC ST का 51, यानी 50 से लेकर 51-52 के बीच में आ सकता है। कोलकाता की बात करें तो 8.2 है यहाँ का लेवल, कंपटीशन लेवल। जनरल कट ऑफ जा सकती है 57, EWS की 55, OBC की 54 और SC ST की 48 से लेकर के 50 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। फिर बात करते हैं अब हम मालदा की। देखिए यहाँ पर मालदा की कट ऑफ 66.8, यहाँ पर ये कंपटीशन लेवल है, मतलब काफ़ी कम है। इसका जो कट ऑफ जाने वाली जनरल की 56, EWS की 54, OBC की 50 और ST ST की, सॉरी यहाँ पर 57 नहीं है, ये जो है 47 है, ठीक है, आप करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर ये 47 है, 45 से लेकर 47 के बीच में SC ST की कट ऑफ जा सकती है। उसके बाद करते हैं मुंबई की। देखिए मुंबई का जो कंपटीशन लेवल है 9.4 था ज़्यादा है। जनरल कट ऑफ 56 जा सकती है, EWS की 55, OBC की 53 और SC ST का 48 से लेकर के 50 के बीच में रह सकता है। बात करते हैं मुजफ्फरपुर की, तो कंपटीशन लेवल 6.8 है, ठीक है। जो कंपटीशन लेवल देख रहे होंगे, जहाँ पर जितना सीट कम है वहाँ पर उतना ही कम कंपटीशन लेवल आ रहा है, क्योंकि क्या वहाँ बहुत ही कहीं बच्चे ने अप्लाई किया है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर देखिए मुजफ्फरपुर बहुत कम सीट था, लेकिन कंपटीशन लेवल यहाँ बहुत कम है, 6.8 का है। 55 रह सकता है जनरल का कट ऑफ, EWS का 53, OBC का 54, SC ST का 49, 50 के आसपास रह सकता है। पटना की बात करें 10.4 है, यहाँ कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जा सकती है, 60 रहेगी जनरल के लिए। EWS का 58, OBC का 55, SC ST का 51। रांची में भी 10.2 है, लगभग सेम कंपटीशन है। जनरल के लिए 60, EWS के लिए 58, OBC के लिए 57 और SC ST के लिए 48 से लेकर के 50 के बीच में रह सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद देखें कट ऑफ 10.5 है, जनरल कट ऑफ 60 जा सकती है, 58 हो गया EWS की, OBC की 57 और 50 से लेकर 53 के बीच में SC ST कट ऑफ जा सकती है। अब बात करते हैं सिलीगुड़ी, जहाँ पर सबसे कम कंपटीशन है, सबसे कम कंपटीशन सिर्फ 4.9 स्टूडेंट के बीच में ही क्या है यहाँ पर कंपटीशन है, मतलब पांच मान सकते हैं 5 स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन है, उसमें से एक स्टूडेंट को सिलेक्शन होगा। तो काफ़ी यहाँ का जो कंपटीशन है काफ़ी आसान हो गया है। अगर आप सिलीगुड़ी से होंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी CVT 2 क्वालिफाई करना। तो चलिए इसका जनरल कट ऑफ 54 जा सकती है, EWS की 52, OBC की 50 और SC ST की 45-46 के अराउंड रहने वाले। तिरुवनंतपुरम की बात करते हैं तो 9.3 है, जनरल की 55, EWS की 52, OBC की 49 और SC ST की 45 जा सकती है। ये जो कंपटीशन लेवल हमने निकाला था, ये जो कम्युनिटी वाइज भी ये कंपटीशन कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, उसके आधार पर ये जो है EWS और OBC में
थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है कि कभी ओबीसी की ज़्यादा हो गया तो ईडब्ल्यूएस का कम भी जा सकता है, जहाँ पर कभी क्या है कहीं कंपटीशन ज़्यादा है ओबीसी का तो कहीं कम है। तो चलिए यह था हमारा टोटल 21 जोन का कट ऑफ, आप फिर से देख लीजिएगा अपने अपने जोन के और आप अभी से CBT 2 के लिए तैयारी स्टार्ट कर दें। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं कंप्लीट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे RRB ग्रुप डी के मैथ्स का क्वेश्चन करवाता हूं। अगर आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यहां पर इस चैनल पर मैथ का जो RRB ग्रुप डी के जितने भी अभी तक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उस सभी का सॉल्यूशन इस चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो चैनल को आप ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।